मेवाल फिल्म्स और एके मीडिया आर्ट के बैनर तले बनी फिल्म वृक्षा का भव्य पोस्टर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका विमोचन किया। फिल्म में वृक्षों के लिए एक मां का अपने बच्चों का बलिदान दिखाया गया। फिल्म के डायरेक्टर तप्तेश कुमार मेवाल हैं। फिल्म समाज को पर्यावरण बचाव का एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। फिल्म के लेखक असलम कायमखानी हैं। फिल्म का निर्माण तप्तेश कुमार मेवाल और सुहालिया ने किया है। फिल्म जल्द ही देश विदेश की सभी OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और TV चैनल्स पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर रिलीज की जाएगी। फिल्म स्टार कास्ट पत्रिका ऑफिस पहुंची, जहां हमारी सहयोगी राखी ने उनसे बातचीत की। पहले आर्मी में रहकर देश की सेवा की और जब आर्मी छोड़ी तो उसके बाद अपनी लेखन के जरिए एक सामाजिक संदेश देने का काम कर रहे हैं असलम कायमखानी। मैं आपको बता दूं कि असलम जी की लिखी हुई दूसरी मूवी वृक्षा का पोस्टर हाल ही में CM अशोक गहलोत ने रिलीज किया था। ये मूवी पर्यावरण रक्षा का एक संदेश दे रही है। असलम जी हमारे साथ हैं, इनसे हम इस मूवी के बारे में और अधिक जानेंगे। क्या मूवी है, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या उद्देश्य था उनका जो उन्होंने इस मूवी की कहानी को लिखा? असलम जी मैं धन्यवाद करता हूँ राजस्थान पत्रिका की, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। ये जो एक फिल्म है, एक सामाजिक संदेश है पर्यावरण के प्रति। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से जगह मतलब पेड़ काट रहे हैं लोग, तो उसको लेकर मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था कि हम इस पर फिल्म बनाएं ताकि लोग जागरूक हों। तो इसको लेकर फिर दिमाग में ये आया कि इस प्रकार की स्टोरी होनी चाहिए ताकि लोगों तक एक मैसेज पहुंचे। हाँ, कहानी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कितने मिनट की मूवी है, कितने घंटे? बिल्कुल मैम, ये तकरीबन 30 मिनट की मूवी है। और ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो पेड़ों के लिए अपना बलिदान दे देती है। एक औरत है जिसके तकरीबन 20 साल से बच्चे नहीं हो रहे, और वो जगह जगह इस चीज़ की मन्नत मांगती है कि किसी भी तरह मेरे बच्चे हो। तो एक फकीर बाबा उसे कहते हैं कि आप एक जो पेड़ लगे हैं, एक एक पेड़ के आप लाल धागा बांध दीजिए, और जैसे जैसे पेड़ सूखेंगे आपके पेट में बच्चा पलता रहेगा। तो जो औरत उसका पेड़ों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है रज्जो का, तो रज्जो इस बात को मानती नहीं है कि किसी भी तरह मैं पेड़ों के लिए बलिदान नहीं दूंगी बच्चे के लिए। लेकिन उसके जो हस्बैंड होते हैं माधव, वो उसको मनाते हैं इस बात के लिए, तो फिर वो उस बात को मान जाती है। लेकिन फिर रात को वो धागा वापस जाके निकाल देती है, और इस तरह मतलब अब वो ये सोचती कि मेरे बच्चा तो मरा हुआ पैदा होगा, क्योंकि उसे फकीर बाबा ने ये कहा था कि अगर आप पेड़ों के धागा खोल दोगे तो बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। तो बहुत इस बात की चिंता हो जाती है। लेकिन मालिक की कुदरत होती है कि पेड़ों के प्रति जो उसका लगाव होता है, उसको देख के ईश्वर इतने मेहरबान होते हैं उस पर कि वो बच्चा भी सही होता है और वो पेड़ भी बच जाता है। तो एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल टच कहानी है, मार्मिक कहानी है। इस प्रकार की इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है, उनके बारे में थोड़ा सा? इसके डायरेक्टर तप्तेजी है, और तप्तेजी का बहुत ही जाने माने डायरेक्टर हैं, और तकरीबन अब तक वो 100 फिल्में बना चुके हैं, और सभी उनकी जो मूवीज हैं वो टोटल सामाजिक संदेश को लेकर ही मतलब फिल्म बनाते हैं। तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस मूवी को उन्होंने क्यों चुना, क्यों इन्होंने इस मूवी का जो डायरेक्शन है वो किया। नमस्कार पत्रिका टीवी, हमेशा सोशल मैसेज देने वाली ही मूवी क्यों चूज करते हैं आप? मैम, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर होने के साथ साथ मैं फिल्म डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उसको मैं किस तरीके से एक संदेश दे सकूं, समाज के सामने पेश कर सकूं। तो इस तरीके से कम 100 फिल्में मैंने सामाजिक संदेश देने वाली बनाई है। उसमें एक वृक्षा, मैं ये सभी दर्शकों को ये कहना चाहूंगा, वृक्षा एक लैंडमार्क है, क्योंकि आने वाले जो गया समय है वो कोरोना का समय है, उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी रही है, दुनिया में त्राहीमान मच गई और लोग ऑक्सीजन के लिए एक एक सिलेंडर के लिए तरस गए। तो हमारे दिमाग में विचार आया कि ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, और हमारे जो समाज में जो ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो हमने ये फिल्म तैयार की। असलम जी ने कहा कि इस तरीके की फिल्म बनाते हैं जो सामाजिक उद्देश्य से पूरा करे, और उसमें ऑक्सीजन की कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए। तो हमने ये फिल्म वृक्षा, वृक्ष से हमने वृक्षा नाम रखा, क्योंकि इंसान का जीवन और जो पेड़ है इन दोनों को हम इक्वल दिखाएं। कि कंपेयर करें तो इंसान का जीवन पेड़ों पे डिपेंड है, और जो पेड़ हैं वो इंसान पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस फिल्म में ये दिखाया गया कि समाज में किसी भी तरीके से एक पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिससे समाज में ऑक्सीजन की कमी है वो उसकी पूर्ति हो जाए, और समाज में हर तरीके का जो बच्चा ये जज्बा चाहेगा तो हमारे समाज में इस मूवी को ज्यादा ज्यादा देखें और ज्यादा ज्यादा फैलाएं। मूवी बड़े लंबे से इंतजार कर रहे हैं, लंबे अरसे से लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने इसके लिए बहुत अच्छी डेट चुनी है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पे पूरी दुनिया में जितने भी OTT प्लेटफॉर्म हैं,
एमएक्स प्लेयर, हंगामा प्ले और अमेजन प्राइम और जितने भी टीवी चैनल्स और जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल हैं उस पर रिलीज होगी और ये पब्लिक रिलीज होगी। इसमें कोई भी मुझसे कहता है कि ये मैं रिलीज करना चाहता हूं तो मैं वही फिल्म उसको देने के लिए तैयार हूं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और 5 जून को हमें भी इंतजार है और सारे दर्शकों को इंतजार है कि 5 जून को मूवी आएगी और विश्व पर्यावरण दिवस पर हम इसको रिलीज करेंगे। तो ये थी वृक्षा की पूरी टीम और मूवी 5 जून को यानी विश्व पर्यावरण दिवस को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। हम ओटीटी पे बहुत सारी मूवीज शोज देखते हैं तो इस मूवी को भी जरूर देखिएगा और अपना जो प्यार है इस मूवी को जरूर दे। पत्रिका टीवी में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।